हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के पहाड़ों पर बीते दिनों हुई बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से एक तरफ जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। साच पास के पहाड़ों पर भारी मात्रा में बर्फबारी होने से पहाड़ों पर आवाजाही ठप हो गई है। वहीं बर्फबारी होने के बाद पांगी घाटी को जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। ऐसे में साच पास की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए ये मार्ग पूरी तरह से बंद है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया है, जिसके बाद पर्यटकों से ऊपरी इलाकों की ओर न जाने की अपील भी की जा रही है। साच पास में जैसे वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का मौसम है, तो वहाँ की बर्फबारी को देखते हुए पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है कि बर्फबारी के दौरान वहाँ पे जो भी ट्रैवलिंग वगैरह है तो उस पर चेक रहता है। तो वहाँ पे हमारी बैरागढ़ पोस्ट है, जहाँ पे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉइज़ वहाँ पे लगे हैं और वो गाड़ी को वहाँ से क्रॉसिंग के लिए चेक कर रहे हैं और प्रॉपर वे में वहाँ पे उनको रोक रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं कि अभी वहाँ ज़्यादा बर्फबारी हो गई है तो रास्ता बंद है, तो कृपया इसमें ना जाएं। तो उसमें पब्लिक से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अभी ऐसे बर्फबारी के समय में उधर जाने से जितना भी हो सके तो उसका परहेज करें, और अगर कोई और साइड वाला जो रास्ते हैं, अगर जो और डिस्ट्रिक्ट से कवर होकर जाने का है जो खुले हैं, तो वहाँ से वो होकर उधर आगे की तरफ निकल सकते हैं। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को भी वहाँ कोऑपरेट करें, जैसे वो बता रहे हैं वैसे उनके अनुसार ही काम करें। वहीं डीएसपी चुराह की माने तो साच पास के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। ऐसे में ऊपरी इलाकों की ओर जाने वाले सभी लोगों की जांच के बाद ही पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें ऊपर भेजा जा रहा है। साच पास को जाने वाले मार्ग से पहले पुलिस चेक पोस्ट आता है, यहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वहीं डीएसपी ने बताया कि सभी लोग पुलिस कर्मियों का सहयोग भी कर रहे हैं और उनके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।